शंखनाद के साथ जैसे ही श्री जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ के पट खुलने का संकेत हुआ, हजारों भक्त हरिबोल के जयकारों के साथ हाथ ऊपर उठाकर नाचने झूमने लगे। श्याम वर्ण के नीलांबर रंग के परिधान से सजे श्रीहरि, बहन सुभद्रा और भाई बलराम के अलौकिक रूप को भक्त एकटक निहारते रहे। कहीं श्रद्धालु सड़कों पर दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो कहीं श्रीहरि के मार्ग को साफ करने के लिए झाड़ू लगा रहे थे। भक्तों के चेहरों पर भक्तिमय उमंग और परमानंद की झलक देखते ही बन रही थी। रंग भक्ति के, गीत भक्ति के और भाव भक्ति के, सब कुछ भक्ति में डूबा हुआ था। प्रथम आरती का शुभारंभ वृंदावन इस्कॉन के राधे श्यामानंद महाराज और इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद प्रभु ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रज प्रांत के प्रचारक धर्मेंद्र जी और विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने रथ यात्रा का शुभारंभ किया। भक्तों की भीड़ इतनी थी कि रथ को खींचने के लिए रस्सी कम पड़ गई। बल्केश्वर से कमला नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर तक भक्तजन गाते बजाते नृत्य करते हुए रथ को खींच कर ले गए। जगह जगह रथ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। लोग थाल सजाए आरती के लिए इंतजार कर रहे थे और घरों के अंदर बैठे लोग भी शीश झुकाए दर्शन के लिए खड़े थे। मेरा नाम वंशिका है और मैं आगरा का सारा कंटेंट शेयर करती हूँ। इस्कॉन मंदिर भी मैंने शूट किया है और जगन्नाथ यात्रा की बहुत खुशी है। यहाँ पुरी से भी ज्यादा रौनक हो रही है आज आगरा में। अगर मैं आगरावासी से अनुरोध करूंगी कि अगली बार भी हो तो उत्साह तो बहुत है। पहले स्नान यात्रा निकली, अब नयन यात्रा कल निकली थी और आज रथ यात्रा निकल रही है। प्रभु जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखने योग्य उनकी छवि है आज। रथ यात्रा में प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। भगवा ध्वजों के साथ दर्जनों घोड़ों और ऊँटों की अगुवाई में रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। भक्तजन रथ के सामने आकर्षक रंगोली सजाते हुए हरे राम हरे कृष्णा के संकीर्तन पर झूमते गाते चले। हरे कृष्णा, ये जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है और बहुत टाइम बाद हो रही है। पिछले साल हुई थी तो हम सब भक्त बहुत उत्साह में हैं और जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन है। हरे राम करते हुए जा रहे हैं और उनका गुंडीचा मार्जन गुंडीचा मंदिर में पहुंचा रहे हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम आदित्य गौरांगी देवीदासी है और आज ये भव्य दिन है, हमारे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। देखिए सारे कितनी दूर दूर से आए हुए हैं सब भक्त लोग भगवान के दर्शन करने। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। उमस भरी गर्मी में श्रीहरि की कृपा बनकर आई रिमझिम बारिश ने भक्तों को राहत दी। बारिश ने वातावरण को सुलभ बना दिया और भक्तजन बिना थके बल्केश्वर और कमला नगर तक का रास्ता तय कर गए। आज जगन्नाथ भगवान सबको दर्शन देने के लिए निकले हैं। जो लोग कभी दर्शन नहीं कर पाते वो आज खुद स्वयं भगवान दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, सभी लोग दर्शन करके पुण्य के भागी बने। काफी टाइम हो गया जगन्नाथ जी के लिए, बहुत अच्छा लगता है इस यात्रा में, काफी आनंद। हाँ, 2 साल से शामिल हो रहे हैं हम इस यात्रा में, बहुत काफी आनंद आता है। वृंदावन इस्कॉन मंदिर के माधव प्रभु ने भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र का वृंदावन का चंदुआ श्रृंगार किया। श्याम रंग की पोशाक में श्रीहरि का अनंत रूप प्रदर्शित हो रहा था जिसे जरी रेशमी धागों और नगों से सजाया गया था। श्रीहरि के प्रिय पुष्प कदम्ब बैजंती मालती कमल और मोगरा का विशेष प्रयोग किया गया। रथयात्रा में रशिया यूक्रेन और अमेरिका से भी श्रद्धालु भाग लेने पहुँचे। महिलाएं गोपी ड्रेस में और पुरुष ग्वाला ड्रेस में सजे हुए थे। कुछ भक्तजन अपने घर के लड्डू गोपाल को भी सजाद जाकर रथयात्रा में लेकर आए। ढोल मृदंग और मंजीरों के संगीत पर हरे राम हरे कृष्णा के संकीर्तन पर झूमते गाते श्रद्धालुओं ने श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। लोकल 18 के लिए आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट।